मीटिंग के बाद फौरन घर आए। अरे इस तरह डिनर पर बुला बुला कर लड़कों को हाथों में कर लेते हैं लोग। हद हो गई, माय गॉड, सलाम है तुम्हारी अकल को और सोच को फहमीदा बेग। अपनी बूटी तकदीर हूं मैं, तकदीरन तकदीरन। बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम रूमी के घर जाओगे। नबील कह रहा था कि मीटिंग्स हैं तुम्हारी। अब वो कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी इसलिए अचानक निकलना पड़ा। यहाँ हारिस से मुलाकात हो गई, वो बात इसरार करके घर ले गया, हालांकि मुझे खुद भी वहां जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। नहीं नहीं बेटा, ठीक है बिल्कुल, आफ्टर ऑल रिश्तेदारी का मामला है भाई, इतने इसरार पे इनकार करना कोई अच्छा थोड़ी लगता है ना। सब खैरियत तो है, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बेटा बिल्कुल ठीक है, असल में तुम्हारी अम्मी ने कुछ गिफ्ट भेजने थे रूमी के लिए तुम्हारे हाथ से, वो नाराज हो रही थी कि तुम बता के नहीं गए। चले कोई बात नहीं, अगली बार से ही। मुझे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा यहाँ आना होगा। अच्छा चलो ये बताओ वापसी कब तक है? हाँ अब वो आज आखिरी मीटिंग है, लेकिन रात को ताहिर अंकल ने डिनर पे इनवाइट किया है इसलिए देर हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली कल अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा मैं। हाँ चलो बेटा ठीक है, अपना ख्याल रखो, फिर कल मुलाकात, ठीक है? ओके खुदा हाफिज़। सुन लिया तुमने, ना मैंने उसे वहां भेजा था ना वो खुद गया। बिलावजह तुम गुस्सा कर रही हो, रिश्ता तोड़ दें रिश्ता तोड़ दें। लेकिन उसे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? उसे कहें कि डिनर करने की कोई जरूरत नहीं, मीटिंग के बाद फौरन घर आए। अरे इस तरह डिनर पर बुला बुला कर लड़कों को हाथों में कर लेते हैं लोग। हद हो गई, माय गॉड, सलाम है तुम्हारी अकल को और सोच को फहमीदा बेग। अब वो अगर खास उन्होंने उसके लिए डिनर रखा है वो नहीं जाएगा तो कितना बुरा लगेगा मालूम है? और बदनामी किसकी होगी? उसकी नहीं, फैमिली रेपुटेशन खराब होगी हमारी। एक दिन की तो बात है, जब आएगा तो समझा देना जो समझाना है तुम। अरे मुझे समझाने का मौका ही कहां मिलता है, आप हैं ना समझाने के लिए। और मेरी बात सुने, ये सालिया के सामने इतने पीछे क्यों जा रहे थे आप? मैंने आपसे कहा है ना कि घर के मामलों से दूर रहा करें, फासला रखें, मैं हूं मैं खुद देख लूंगी। ये कैसी बातें कर रही है? बेचारा कौन जा रहा था भाई? मैं डैमेज कंट्रोल कर रहा था, संभाल रहा था मामलात को, आप तो चली थी रिश्ते तोड़ने के लिए। फजूल बातें मत करें। देखो फहमीदा, इस घर से जुड़े सारे रिश्ते जो है ना वो तुम्हारी समझदारी और बर्दाश्त की वजह से चलेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। फजूल बातें मत करें जुबैर, ये मेरी समझदारी है जो ये घर अब तक चल रहा है, इसलिए आप अपनी समझदारी अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि अगर कोई एक रिश्ता भी टूटा ना उसकी वजह मैं नहीं होंगी, आप होंगे, समझे आप? बस अभी?